मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, यह हर कोई जानता है, लेकिन कुछ लोगों को दूध हजम करने में काफी दिक्कत होती है। या तो उनका पेट फूल जाता है या फिर खराब हो जाता है। अगर आपका पाचन तंत्र भी मजबूत नहीं है तो आपको दूध ठीक से हजम नहीं हो पाएगा। आयुर्वेद के अनुसार दूध पीने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से आपको दूध आसानी से हजम हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं। इसमें सबसे पहला नियम है कि लोग अक्सर दूध में शक्कर मिलाकर पीते हैं, जबकि आयुर्वेद का मानना है कि रात में बिना शक्कर मिलाए दूध पियेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। हो सके तो दूध में शक्कर की बजाय एक चम्मच गाय का घी मिलाएं। आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय का दूध सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर संभव हो तो यही दूध पीना चाहिए। अब बात करेंगे आयुर्वेद के दूसरे नियम की। आजकल शहरों में ज़्यादातर लोग पैकेट वाले दूध का भरोसा करते हैं, जबकि पैकेट वाला दूध ना तो ताज़ा होता है ना ही जैविक। आयुर्वेद के अनुसार ताज़ा, जैविक और बिना हार्मोन की मिलावट वाला दूध सबसे अच्छा होता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि कच्चे दूध का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूध को हमेशा उबाल कर गर्म अवस्था में ही पीना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को दूध आसानी से हजम नहीं होता, उनके लिए दूध पीने का एक और तरीका है कि वो दूध में एक चुटकी अदरक, लौंग, इलायची, केसर, दालचीनी और जायफल वगैरह मिला सकते हैं। इससे आपके पेट में अतिरिक्त गर्मी बढ़ेगी जिससे दूध हजम हो जाएगा। अक्सर किसी न किसी वजह से हम रात का खाना खा नहीं पाते। आयुर्वेद की माने तो ऐसी स्थिति में एक चुटकी जायफल और केसर डालकर दूध पिएं। इससे नींद भी अच्छी आती है और साथ ही शरीर को ऊर्जा भी प्राप्त होती है। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि कभी भी नमकीन चीज़ के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रीम सूप या फिर चीज़ को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ खट्टे फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आमतौर पर दूध इन चीज़ों के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। इसके अलावा दूध के साथ मीट मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे आयुर्वेद के वो नियम जिनको अपनाकर आप दूध ना पचने की शिकायत को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये नियम आपको पसंद भी आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और बातों के साथ, कुछ और खास जानकारियों के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।